हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शिमला का वेदर अपडेट करने जा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट्स के थ्रू मेरे वीडियोस के माध्यम से पूछा था कि शिमला आए या ना आए, कैसा होगा आजकल का मौसम। रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, जैसे कि टुडे इज 27 जून है आज, तो उसके बारे में मैं आपको आज अपडेट देने जा रहा हूँ। तो शिमला में आज के दिन की अगर बात करूँ मैं 27 जून की, तो सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और जस्ट अभी लगभग 3 बजे थोड़ी सी हल्की सी बारिश थमी है। तो मैं सोचा कि छाता लेके छत पर आके और ये अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इसी के लिए मैं आया हूँ। और ये अपडेट आपके पास अगले हाफ एन आवर में मैं आपको ये शेयर कर ही दूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि शिमला में अगर रेनी सीजन की बात करें तो ये अपने बिल्कुल बोलते हैं कि भयानक फॉर्म में तो होती ही हैं। तो जब भी अगर रेन हो रही हो तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं शिमला के लिए, तो आप उस समय पॉज ले सकते हैं। आप सड़क के किनारे किसी सेफ जगह पर गाड़ी लगा के और आप रेस्टोरेंट में चाय वगैरह जाके ढाबा में पी सकते हैं, या फिर गाड़ी को भी सेफ जगह पार्क करके गाड़ी में ही वेट कर सकते हैं। क्योंकि चलते वक्त जब रेनी सीजन में जब रेन हो रहे होते हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, और उस समय काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर चट्टान वगैरह गिर जाते हैं गाड़ियों के ऊपर। तो उस चीज़ का हमें ध्यान तो रखना ही है, और इसीलिए जब भी रेनी सीजन हो तो जब रेन्स हो, जब बारिश हो रही हो, तो उस समय पहाड़ दरकने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो दरकने के खतरे से बचने के लिए आपको एक जगह स्टिल तो होना पड़ेगा, पॉज लेके सेफ जगह पे आपको रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ आने का फ़ायदा ये है रेनी सीजन में शिमला, कि आपको हर चीज़ चीपेस्ट रेट पे मिल जाएगा। आपको होटल्स की बात करें तो मोर देन 50% डिस्काउंट्स, क्योंकि 90% से ज़्यादा रूम्स होटल्स के बिल्कुल खाली हैं। रेस्टोरेंट, ढाबा, टूरिस्ट प्लेसेस और टैक्सी, ये सारे जो हैं अभी ऑफ सीजन के कारण इतना बिजी नहीं है, तो आप इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं शिमला में। तो आप इस और लेकिन ब्यूटी की अगर बात करें, शिमला में आके आपको कैसा मौसम मिलेगा, कैसा वेदर मिलेगा, तो इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ग्रीनरी से भरपूर आपको शिमला मिलेगा। मनाली जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही बात होगी, धर्मशाला में भी आपको ग्रीन धर्मशाला दिखेगा। जैसा कि आप देखिए, ये ग्रीन शिमला मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ बारिश के बाद। अभी बारिश तो इनफैक्ट हो ही रही है, और देखिए बादल कितने नीचे तक हैं, क्या खूबसूरती है इस जगह की। और ऐसे ही शिमला, मनाली, पूरे हिमाचल की खूबसूरती ऐसे ही अपने क्लाइमैक्स पे होती है बिल्कुल। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका ये ट्रिप बहुत ही बजट ट्रिप होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑफ सीजन के कारण आपको हर चीज़ बहुत ही कम रेट पे मिलना है। लेकिन सेफ्टी का आपको पूरा ध्यान रखना है। आप अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो जो मैंने बताया वो रूल्स फॉलो करें, आप शिमला मनाली आएँ और यहाँ के वेदर को और क्लाइमेट को एंजॉय करें। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं ऐसी जगह पर, क्योंकि हो सकता है जिस दिन रेनी डे हो तो वो आपको होटल्स में वेट करके आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। और इसलिए अगर आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आते हैं तो आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। और शिमला की ब्यूटी तो वैसे हर मौसम में ही अलग खूबसूरती लिए हुए होता है, बिल्कुल वाइट होता है विंटर्स में, और समर में तो बिल्कुल कूल ब्रीज के साथ प्लेजेंट तो होता ही है। रेनी सीजन में बिल्कुल ग्रीन और सुहावना सा दिखेगा, एक अलग ही ब्यूटी आपको दिखेगी इसकी लस्टर के साथ। तो आप एंजॉय करते रहें दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और अपडेट करना चाहता हूँ, अगर आप चंडीगढ़ से शिमला आ रहे हैं तो जो सोलन के आसपास का एरिया है, सोलन से 20 किलोमीटर पहले और 20 किलोमीटर बाद, शिमला आने के हाफ एन आवर पहले तक का रास्ता काफ़ी कच्चा है, क्योंकि नया नया 4 लेन कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो जो साइड की पहाड़ें हैं वो ज़्यादा दरकती हैं बारिशों के टाइम पर, तो लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा होता है। तो उस लगभग 1.5 घंटे के पैच में, जो लगभग 50 किलोमीटर्स का पैच है, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा है कि ऐसे मौसम में किस चीज़ से ट्रैवल करें ज़्यादा बेटर होगा, तो आप शिमला आने के लिए बसेस का अगर यूज़ करते हैं, वॉल्वो बसेस स्पेशली, और वापस जाने के लिए दैट इज़ बेटर दैन ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में आपको फिर यहाँ वहाँ उतरना है, बीच में आपको चेंज भी करना है, तो उन चीज़ों का जो है एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और कहीं रेनी सीजन में आपके लगेज हैं, कपड़े हैं, वो कहीं भींग ना जाए, उसका ध्यान भी रखना है हमें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड घूमते रहिए आप।